नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। कहते हैं कि अगर इंसान के दिल में कुछ करने का जोश और जज्बा हो तो वो कुछ भी कर सकता है और किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। ऐसा ही एक काम महाराष्ट्र के बुलढाणा की एक 68 साल की बुजुर्ग महिला ने करके दिखाया है, क्योंकि जिस उम्र में लोग चारपाई पकड़ लेते हैं, डंडा पकड़कर चलने लगते हैं, उम्र के उस पड़ाव पर 68 साल की ये बुजुर्ग महिला साइकिल से माता वैष्णो देवी की यात्रा पर निकल पड़ी हैं। अब इस महिला की यात्रा की ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और लोग इस महिला के जोश और जज्बे को सलाम कर रहे हैं और खूब तारीफ कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस महिला की ये वीडियो देखिए। वीडियो में देखिए किस तरह से ये महिला कितनी खुश नजर आ रही हैं और बिना परेशान हुए अपनी मंजिल पर आगे बढ़े जा रही हैं। आपको बता दें, इन बुजुर्ग महिला का नाम रतन शारदा है। लोग इन बुजुर्ग महिला की तारीफ अब सोशल मीडिया पर करते थक नहीं रहे। फिट भारत के ट्विटर अकाउंट से इस महिला के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया, प्रेरक। महाराष्ट्र के खामगांव की 68 वर्ष की बूढ़ी माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा जा रही हैं। वो अपनी गियर वाली साइकिल पर अकेले 2200 किलोमीटर की दूरी तय कर रही हैं। ताई की भक्ति और फिटनेस कमाल है। तो वहीं महावीर सिंह नाम के यूजर ने लिखा कि माता जी ने हमें यह संदेश दिया है कि मन में भावना और इरादा पक्का हो तो कुछ भी संभव है, मेरा सादर नमन है। तो वहीं दिनेश बेनीवाल नाम के यूजर लिखते हैं कि माँ वैष्णो देवी की शक्ति इस माता में। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि 68 साल की महिला महाराष्ट्र के बुलढाणा के खामगांव से चलकर माता वैष्णो देवी जा रही हैं। इस दौरान ये बुजुर्ग महिला करीब 2200 किलोमीटर की यात्रा करेंगी। तो आपका इस महिला के जोश और जज्बे को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।